गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। देव और दैत्य इन दोनों का संग्राम हमेशा चलते रहता है। देव है हमारे अंतकरण की सद्वृत्तियां और दैत्य है हमारे अंतकरण की असद्वृत्तियां। असद्वृत्ति माने जो परमात्मा को छोड़ करके हर एक के पीछे लगे रहती है, और सद्वृत्ति माने जो परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के रहती है। और इन दोनों का युद्ध हमारे सबके हृदय में हमेशा चलता है। तो जिसको अपने अंतकरण में सद असद्वृत्तियों का युद्ध कहा है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसी को आधि दैविक दृष्टि से दैव और असुर संग्राम के नाम से कहते हैं। और इन दोनों के पीछे एक ही परमात्मा की शक्ति है। असुरों को भी शक्ति वही परमात्मा देते हैं और देवों की भी शक्ति वही परमात्मा की है। तो इस प्रकार से एक बार जब दैत्यों के द्वारा देवों का पराभव हुआ और फिर एक बार देवों के द्वारा दैत्य का पराभव हुआ, तो जब दैत्यों की दुर्दशा होने लगी तो उनकी जो माँ थी दिति कश्यप जी अपने पति के पास गई और उनकी बड़ी सेवा करी, और सेवा करने के बाद उनको प्रसन्न करा लिया और कहा कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा पुत्र दे कि जो इंद्र का देवों का नाश करे। तो जब यह बात देखी तो कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने एक बार कह दिया था कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। अब बेचारे पछताने लगे, इसीलिए किसी को आश्वासन मत देना, कभी देना ही है तो सीधा सीधा बोल दो, मैं हाँ कह देता हूं लेकिन करूंगा नहीं, तो अगली बार के झंझट खत्म हो जाएंगे। एक बार आश्वासन दिया और फिर नहीं हुआ तो मन खाते रहता है। यहां तक हमने कल देखा था। अब यहां दीति जी को एक वर्ष का अनुष्ठान करने को बताया कि तुम अमुक अमुक प्रकार का अनुष्ठान करो, और ये अनुष्ठान करने से भगवान का तुम्हारे गोद में ऐसा पुत्र निर्माण होगा कि जो इंद्र का नाश कर देगा। लेकिन वो ठीक से होना चाहिए। यहां एक महत्व की बात समझनी है, जब कोई निष्काम अनुष्ठान हम करते हैं तो उसके लिए नियम इत्यादि जबरदस्त नहीं होते, और जब कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए विधि निषेध नियम बहुत ही जबरदस्त होते हैं। जैसे समझो हम कहीं जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करेंगे तो अनेक प्रकार के रूल हम पर लागू होंगे, किस समय आना है, किस समय जाना है, क्या काम करना है, क्योंकि हम सकाम भावना से नौकरी कर रहे हैं पैसे लेकर के। और यदि हम कहीं जाकर के केवल सेवा करते हैं, उस सेवा के बदले में कुछ लेते नहीं पैसा, तो फिर हमारे लिए नियम नहीं होते। हम समझो कभी लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, हमसे कोई गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि सकाम अनुष्ठान नहीं है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में जितने सकाम अनुष्ठान होते हैं उसमें अनेक विधि निषेध है, और उसमें यदि कोई गलती हो गई तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो समाज सेवा करने वालों को पनिशमेंट नहीं मिलती, गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी सर्विस करे तो उनको पनिशमेंट मिलती है। इसी सिद्धांत को लेकर के यह सकाम अनुष्ठान करने के लिए दीति तैयार हो गई। और जब वो अनुष्ठान कर रही थी तो उसमें एक गलती हो गई, एक साल का अनुष्ठान लेकिन आखिरी के 5-6 दिनों में एक गलती हो गई, और वो गलती इंद्र ने पकड़ ली। इसलिए कि जब वो ऐसा अनुष्ठान कर रही थी इंद्र को मारने के लिए, तो इंद्र ने एक बालक का रूप धारण किया और अपनी सौतेली मां दिति की सेवा करना प्रारंभ कर दिया।
और जब वो देखा कि गलती हो गई तो तुरंत वो दीति के गर्भ में प्रवेश किया और वहां जो गर्भ था उसके उसने 7 टुकड़े कर दिए ताकि उसको मार डाले, लेकिन फिर भी वो गर्भ मरा नहीं। तो फिर हरेक गर्भ के टुकड़े के फिर 7-7 किए, इस प्रकार से 49 टुकड़े हो गए और फिर भी वो मरे नहीं, वैसे के वैसे बने रहे। और जब योग्य समय आया तो प्रसूति हो गई दीति की। जब प्रसूति हो गई तो एक के बाद एक लाइन लग गई तो 50 बच्चे निकले। तो दीति ने कहा ये क्या है, मैंने तो एक ही बच्चे के लिए ये व्रत किया था, 50 कहां से आ गए और इंद्र तू कहां से आ गया मेरे गोद में। फिर इंद्र ने बताया कि मैंने आपकी सेवा करी और इसीलिए कि आप यदि कोई गलती करे तो उसका मैं फायदा उठाऊं, और आपने गलती करी, मैंने जाकर के आपके गर्भ के टुकड़े कर दिए, लेकिन अभी भी वो जिंदे हैं, तो अभी भी मैं आपकी कोख से निकला हूं तो आपके पुत्र के जैसा हूं, तो मुझे आप मारो बीरो मत, और ये जो 49 बच्चे हैं वो मुझे दे दो, ये इनको मैं देव गणों में शामिल कर लेता हूं। इस प्रकार से ये जो 49 है 49 इनको मरुद गण कहते हैं, और हमारे शास्त्रों के अनुसार योग शास्त्र के अनुसार इस जगत में 49 प्रकार के वायु हैं। जैसे वही वायु हवा जब हमारे देह में प्रवेश करती है तो उसके अनेक भिन्न रूप धारण हो जाते हैं। जब नाक के बाहर होती है तो हवा, वही नाक के अंदर चली गई तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 महाप्राण हो जाते हैं। उसके बाद 5 उपप्राण, तो हमारे पूरे देह के भिन्न भिन्न क्रिया करने के लिए जिन जिन भिन्न प्रकार के वायुओं की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं मरुदगण, और वही मरुदगण इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन में शक्ति देने में काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये मरुदगणों की कथा हो गई, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इन बच्चों को ले जाओ और इनको अपने साथ रखना अपने भाई के रूप में, वो देवता में शामिल हो गए। अब इसमें देखो कि दीति ने इंद्र को मारने के लिए भगवान की आराधना की, और भगवान की आराधना से जो पुत्र निर्माण होते हैं वो कभी भी विनाशकारी नहीं होंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रीनेटल एजुकेशन माने जब गर्भ में बच्चा होता है उस समय यदि मां भागवत का पाठ करे, भगवान का नाम स्मरण करे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहे, तो अपने आप उस गर्भ पर उस सभी अच्छे संस्कार हो जाते हैं और उसी के द्वारा वो गर्भ एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो इस प्रकार से यह जो 7वां स्कंद प्रारंभ होता है यहां 6वां स्कंद पूरा हो गया, और 6वें स्कंद के जो अंतिम अध्याय है 19वां अध्याय उसमें उन्होंने पुंसवन व्रत का वर्णन किया है। उसके पश्चात अब 7वां स्कंद हम प्रारंभ करते हैं, यहां तक 6 स्कंद पूरे हो गए। 7वें स्कंद को कहते हैं ऊति स्कंद। ऊति का तात्पर्य है रक्षण करना, सहाय करना, क्रीड़ा, इच्छा इत्यादि। तो ये इसमें कैसे भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं और क्या क्या हमारी रक्षा के लिए आवश्यक चीजें हैं इसका वर्णन आता है। इस कद में सब मिलाकर के 15 अध्याय है, और इस 15 अध्याय के पहले में ही परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं 6वें स्कंद की बातें सुनकर के कि भगवान आप हमको ये बताइए कि जब भी कुछ हो जाता है तो ये देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के बताते कि देखो ये दैत्य लोग हमको मार रहे हैं और हमको मदद करो, और ये भगवान भी ऐसे हैं कि ये देवताओं के लिए पक्षपाती है, तो यदि ये पक्षपात करते हैं तो ये कहे कि भगवान है, इनको तो सबके साथ समत्व का व्यवहार करना चाहिए। तो यह जो समत्व का व्यवहार इनके साथ नहीं है तो ये भगवान के समत्व पर हमको संदेह होने लग गया है, क्योंकि निर्दोषन ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है, समत्व है उनमें, इसमें कोई अपना कोई पराया ऐसा भाव नहीं है। तो इस मेरे शंका का आप निवारण कीजिए।
इस पर सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्न का प्रश्न की तारीफ करके फिर बताते हैं कि देखो, भगवान के दृष्टि से कोई भी अपना कोई भी पराया नहीं होता। जैसे बिजली के लिए बल्ब में जाकर के कोई उससे प्रकाश निकलवा ले, फैन में जाकर के वहां कोई गति निकलवा ले, या फ्रिज में जाकर के कोई ठंडक ले ले, या हीटर में जाकर के कोई गर्मी ले ले, या कंप्यूटर में जाकर के इंटरनेट ले ले, उससे बिजली से कोई राग द्वेष नहीं है। वो तो केवल शक्ति मात्र प्रदान कर रही है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम में गुणों का प्रभाव होता है, उन गुणों के प्रभाव के अनुसार उन गुणों को आधार देने के लिए ही परमात्मा है। तो जब हमारे हृदय में सत्व का प्राबल्य हो जाता है तो व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आते हैं। भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो इसको भी भगवान ने ही समर्थन किया है। फिर कभी कभी हमारे मन में अंतकरण में रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। उस समय आदमी जैसे नींद से उठता है तो किसी को काटने को दौड़ता है। सुबह सुबह लोग कहते हैं इनको क्या हो गया, सुबह सुबह उठकर काट रहे हैं। तो उस समय रजोगुण प्रज्वलित हो गया है तो उसका भी समर्थन वही परमात्मा करते हैं। और हमेशा के लिए हम लोगों में तमोगुण आता है, उठना क्या है, उठ के करेंगे क्या, तो वाई वेस्ट टाइम, सो जाओ और फिर लेट गए। तो जब तमोगुण हमारे इसमें ज्यादा हो जाता है तो उसको भी समर्थन वही परमात्मा करते हैं। इसीलिए ये जो हम कहते हैं कि भगवान देवताओं का या सुरों का ही केवल समर्थन करते हैं, ये बात गलत है। वो देवता और दैत्य दोनों भी उसी भगवान के शक्ति का विस्तार है। और इसमें नारायण 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 नारायण। निष्काम भाव से भगवान का नाम ले तो अपने शरीर की प्रत्येक पेशी, एवरी सेल, भगवान के नाम के स्पंदन में लग जाती है। और जितनी हमारे देह की प्रत्येक पेशी भगवान के नाम के स्पंदन में लग जाती है, उतना हम अपने स्थूल देह से तादात में छोड़ करके सूक्ष्म देह में प्रवेश करते हैं। और ये जितने लंबे समय तक चलता रहेगा, धीरे धीरे हम अपने मन से भी हट करके चैतन्यमय हो जाते हैं। इसीलिए ये भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य है। इसको हटा रहे क्या, ये बाहर ले जा रहे? हाँ, ही इज टेकिंग इनसाइड ना। ओके, क्योंकि कंपटीशन होगी, वो बोले कि मैं बोलूं, मैं बोलूं कि वो बोलूं। नारायण 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 नारायण।
नारायण 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 वो आदमी भूल गया कि यहां का आने का, वहां जाके सत्संग करने लग गया, ये जो संदेह आता है कि हम जब भगवान को फूल पत्तर या कुछ चढ़ाते हैं तो उसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरा कोई नहीं देता तो उसके कारण भगवान अप्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो एक बड़ा सरल सिद्धांत है, जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो वो देने की क्रिया हमने की है, भगवान ने थोड़ी की है। तो जो देने की क्रिया हमने की है तो उसके कारण हमको ही लाभ होगा, भगवान को नहीं लाभ होता। उनको क्या चाहिए, उनके पास सब कुछ है। इस प्रकार से यह भगवान के समता विषमता को लेकर के जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो उसको लेकर के कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि सुनो, ऐसा ही प्रश्न भगवान के समत्व के बारे में युधिष्ठिर ने किया था नारद जी को, और उस समय नारद जी ने उनको उत्तर दिया था। इसमें एक महत्व की बात समझनी है, जब भौतिक जगत का ज्ञान हम एकत्र करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो माइक्रोस्कोप दूरबीन बुद्धि इत्यादि की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम आत्म तत्व का अनुसंधान करने लग जाते हैं तो जो उपकरण बाहर के जगत के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वो हमारे अंतकरण के पीछे रहने वाले तत्व को समझने के लिए उपयोग में नहीं आते। इसीलिए केनो परिषद में कहानी बताते हैं कि जब यक्ष का रूप लेकर के परब्रह्म परमात्मा आ गए तो पहले अग्नि ने सोचा कि मैं जाके देखूं कौन है ये, वो हार गए। फिर वायु ने सोचा कि मैं जाके देखूं कौन है, वो हार गए। फिर इंद्र गया, जो मन की देवता है, इंद्र ने जाकर के उनके सामने अपने आप को समर्पित किया और तब जाकर के उनके सामने उसी स्थान पर उमाम हैमवती, जो उमा हैमवती हिमवान की पुत्री माने श्रुति माता उपलब्ध हो गई। और श्रुति माता के माध्यम से इंद्र को समझ में आया कि ये परब्रह्म परमात्मा है। उसी प्रकार से जब हमको तत्व के बारे में जानना है तो अपनी बुद्धि अपने इंद्रिय इनकी वहां गति नहीं है। तो यह बताने के लिए उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि देखो शिशुपाल ने भगवान को एक के बाद एक गाली दी। उस समय का शिशुपाल सचिन तेंदुलकर था, 100 मारे छक्के।
भगवान को एक के बाद एक गालियां देता गया देता गया देता गया, और जब 100वीं गाली पूरी हो गई तो भगवान ने उसको कैच आउट कर दिया, उसका जो गर्दन है वो काट करके उसको मार दिया। और उसको जब मार दिया तो उसके देह से आत्मज्योति निकली और वो सबके सामने भगवान के हृदय में समा गई। जब ऐसी बात हुई तब प्रश्न आया कि ये शिशुपाल ने भगवान को इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया सबके सामने, तो फिर भी वो भगवान को जाकर के कैसे मिला। तो देखो समत्व की बात चल रही है। तो हम जब सोचते हैं कि भगवान केवल देवता का ही पक्ष लेते हैं और जो दैत्य है उनका अनादर करते हैं, ऐसी बात नहीं, भगवान के लिए तो सब कुछ एक ही है। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण का जो द्वेषी है उसकी आत्मा भगवान कृष्ण में मिली, ये देख करके फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये दैत्य होकर भी किस प्रकार से इसने भगवान से एकत्व प्राप्त कर लिया। तो इसके उत्तर में देवर्षि नारद जी ने प्रह्लाद का चरित्र बताया। प्रह्लाद का चरित्र बहुत ही सुंदर है। उसमें प्रह्लाद जी दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे और दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके हृदय में किसी भी के लिए काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि नहीं था। और भगवान ये किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वो तो निरपेक्ष है। जब उनको किसी पर अनुग्रह करना हो तो वो ये देखते नहीं कि वो लायक है या कि नालायक है। हम आपको एक बात बता दें, बुरा मत मानना, हम सबको जो अपने जीवन में आज मिला है वो हमारे लायकी के अनुसार नहीं मिला है, ये भगवान के अनुग्रह के कारण मिला है। यदि हम ही अपने अंतकरण में झांक के देखें तो पता चलेगा हमसे भी अनेक लायक व्यक्ति जगत में उपलब्ध है, लेकिन उनको उतना नहीं मिला जितना भगवान ने हमको दिया है। इसीलिए मनुष्य को आज जो भी कुछ मिला है वो अपने लायकी के कारण नहीं है, वो तो भगवान का अनुग्रह है। ये जब आदमी को बात समझ में आ जाती है तो उसका जीवन और विचारधारा बदल जाती है। तो ऐसा यह प्रह्लाद जी का चरित्र बताने के पहले उन्होंने बताया नारद जी ने कि प्रह्लाद जी भले ही हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे फिर भी उनमें ये सभी सद्गुण थे, और हिरण्यकश्यपु के पुत्र होते हुए भी वो इतने भगवान के भक्त बने, उसके लिए उन्होंने कहानी बताना शुरू कर दी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इसकी कहानी हम पहले सुन चुके हैं। यह दिति के गर्भ से हुए, उत्पन्न हुए, जय विजय जो भगवान के पार्षद है वही थे। तो इनका जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई, उसको भगवान ने वराह अवतार लेकर के मार दिया। और जब मार दिया तो बड़ी विचित्र बात हुई, जब उनकी पत्नी हिरण्याक्ष की पत्नी रोने लग गई तो हिरण्यकश्यपु अपने भाभी के पास गया और जाकर के उसने उनको वेदांत सुनाना शुरू कर दिया। वेदांत सुनाने के लिए कोई अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वेदांत सुना सकता है। तो उन्होंने वेदांत सुनाना शुरू कर दिया। यहां बताते हैं दो प्रकार के वेदांत है, एक असुर वेदांत और एक दैव वेदांत। असुर वेदांत किस लिए है, जिस वेदांत के द्वारा हम अपने रोटी पर घी खींचते हैं उसको कहते हैं असुर वेदांत। अपने दोषों को ढकने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए जिस वेदांत का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं असुर वेदांत। और जो दैव वेदांत वो है कि जिसको हम पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में उतार करके परमात्मा के प्राप्ति के लिए वो ज्ञान लगाते हैं उसको कहते हैं दैव वेदांत। तो जिस वेदांत को दूसरों को बताने के लिए और अपने दुर्गुण ढाकने के लिए किया जाता है वह असुर वेदांत। हिरण्यकश्यपु ने यही असुर वेदांत का सहारा लिया। इसके बारे में शायद हमने आपको एक कहानी बताई थी, एक लड़का दूसरे लड़के के पीछे दौड़ रहा था तो तीसरे ने पूछा, भाई तुम क्यों उसको पकड़ रहे हो। बोले पहले पकड़ो तो सही फिर बताएंगे। तो पकड़ लिया उसको और फिर
पूछा कि तुम क्यों भाग रहे थे और तुम क्यों पकड़ रहे थे। फिर उसने कहा, जिस जो पीछे भाग रहा था उसने कहा कि देखो, इसने पहले मुझे वेदांत सुनाया तो मैंने चुप होकर के सुन लिया, और जब मैं ही उसको वेदांत सुनाने लग गया तो वो भाग रहा था। अब तो मुझे बदला निकालना है, उसको वेदांत सुना के ही रखूंगा। ये होता है असुर वेदांत, दूसरों को बताने के लिए, अपने जीवन के लिए नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने भाभी को समझाना शुरू कर दिया कि देखो, आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, नित्य है, अविकारी है, निष्कलंक है, निर्विकार है, निर्गुण है। सभी की सभी बातें आत्मा के बारे में बता दी, और वो कभी मरती नहीं इत्यादि। जहां तक के देह का कारण है तो देह तो हमेशा नाशवान है, जो निर्माण होता है वो नष्ट हो जाता है, और इसीलिए इसके लिए अब शोक करने का कोई मतलब नहीं, जो हो गया सो हो गया। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद हिरण्यकश्यपु ने दृष्टांत दिया। आपने देखा होगा जब हम कोई सिद्धांत बताते हैं तो उसको परिपुष्ट करने के लिए कोई दृष्टांत देते हैं, कोई कहानी किस्सा बताते हैं। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने इस सिद्धांत को बताने के लिए एक उपाख्यान सुनाया, सुयज्ञ का उपाख्यान। उसमें कहा कि एक बार ऐसा हो गया कि सुयज्ञ एक बहुत बड़ा राजा हो गया और वो मर गया युद्ध के भूमि पर। जब मर गया तो उसके जितने भी परिवार वाले थे उन्होंने देह के अगल बगल में आ गए और जोर जोर से रोने लग गए कि अब क्या करें क्या करें। तो उस समय यमराज ने एक बालक का रूप धारण किया और उनके पास आए और कहा कि देखो, तुम लोग बड़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, लेकिन अकल एक छटाक की नहीं है। तुम्हारे रोने से क्या ये जिंदा हो जाएगा? तो जब तुम्हारे रोने धोने से जिंदा नहीं होगा तो तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? और फिर बताया, जगत में जो आता है उसको मरना ही है, तो ये भी मर गया और तुमको ज्यादा रोने की जरूरत नहीं। आज ये गया है, कल तुम जाओगे। मरे एक त्याचा दुजा शोकवा है, अकस्मात तो ही पुढ़े जाता है। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, एक मर के वहां पड़ा हुआ है तो दूसरे रोते हैं कि अरे रामा, अब ये मर गया, अब क्या होगा। कोई ज्यादा जरूरत नहीं, तुम्हारी लाइन लगी हुई है, सिर्फ सवाल ये कि मालूम नहीं डेट ऑफ डिपार्चर कब है। इस प्रकार से उनको उपदेश किया, और ये उपदेश करने के बाद वो जो सुयज्ञ के अगल बगल लोग थे वो शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया हिरण्यकश्यपु ने, कि एक चिड़िया थी और एक चिड़ा था, उसका पति पत्नी दोनों, और वो कहीं जंगल में रहते थे और बाहर गए दाना चुगने के लिए, और वहां उनके जो बच्चे थे चूजे वो वहीं बैठे हुए थे, और कहीं से एक वो चिड़िया पकड़ने वाला आया, उसने जाल फैलाया और उसमें दाने डाल दिए और चिड़ी के बच्चे दाने चुगने के लिए वहां चले गए। और जैसा देखा कि अपने बच्चे जाल में पड़े हुए हैं, इनकी इतनी मोह और आसक्ति थी अपने बच्चों के पास, वो भी जाकर के उसमें कूदे और बच्चों के साथ अपने को भी उन्होंने मरवा लिया। इस प्रकार से दो दृष्टांत देने के बाद कहा कि देखो, यह दुनिया ऐसी ही है, यदि आसक्ति होगी तो हम मरेंगे, और यदि दूसरा कोई मरा है तो वो मरते ही है, कोई नई बात नहीं। आज तक कितने मरे, तुम्हारा पति पहले बार थोड़ी मरा है। सब कुछ ज्ञान बताने के बाद हिरण्यकश्यपु की भाभी थी उसको तसल्ली हो गई और वो शांत हो गए। अब इसका प्रभाव हिरण्यकश्यपु जिसने प्रवचन किया था उस पर क्या पड़ा, ये महत्व की बात है। देखो, प्रवचन करना एक बात होती है और ये देखना है कि प्रवचन का प्रभाव किस पर हो रहा। यदि हमने किए हुए प्रवचन का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं पड़ा तो हम असुर वेदांती है, तेज का तात्पर्य है। देखो, सभी साधु संत जो है ना, हमको दिखने को तो लगता है कि लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। हमारे समर्थ रामदास स्वामी का जो मनोबोध है उसमें 205 श्लोक है, और उसको कहते हैं उन्होंने अपने मन को बोध किया है। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडू निद्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। हे मन, इस प्रकार से तुम रहो,
तुलसीदास जी महाराज ने पूरा रामायण का कंपोजिशन किया है रामचरितमानस, उसमें भी वो कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए परमात्मा के प्राप्ति के आनंद के लिए उन्होंने इस रामायण की रचना की है, लोगों में रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं। क्या रामायण की कथा लोगों को मालूम नहीं थी? सबको मालूम है। इसीलिए जितना भी यह शास्त्रों का वेदांत का जो उपदेश है इसका प्रभाव अपने पर होना चाहिए, दूसरे पर नहीं। लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है, एक बार हम बंबई में थे अंधेरी में शायद, और द्वितीय अध्याय के ऊपर हमारे प्रवचन होने वाले थे, तो पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन किया एक डेढ़ घंटे का, और वो होने के बाद एक सिंधी अम्मा हमको मिलने के लिए आई, हम अभी भी उनको याद करते हैं, और नमस्कार चमत्कार हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने आज जो लेक्चर बताया ना, एक एक उसका शब्द मेरे बहू के लिए है। हमने कहा मैया तुम यहां होकर भी सुन नहीं रही हो अपने लिए, और तुम्हारी बहू घर में है उसके लिए है, और मैं जाकर के उसको बताऊंगा तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम नॉर्मली क्या विचार करते हैं, जितना ज्ञान है दूसरों को देना अपने लिए नहीं। जैसे कई बड़े लोग कहते स्वामी जी विशेष करके पाश्चात्य देशों में चले जाओ, पाश्चात्य देशों की स्पिरिचुअलिटी अपने यहां की जैसी नहीं है, वहां की स्पिरिचुअलिटी कैसी है, बच्चों को पढ़ाओ, उनको आना चाहिए वहां त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उनको आना चाहिए भगवान की प्रार्थना वैसी करनी है, और ये जो बड़े मां बाप है इनकी केस गई भी थी अगले जन्म में देखेंगे। यह जो दूसरों के उद्धार करने के लिए धर्म का जो प्रचार होता है इसके द्वारा दूसरे का तो उद्धार होता नहीं, अपना जरूर सत्यानाश हो जाता है। जगत का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, हमको तो जगत की सेवा करनी है उद्धार नहीं करना। ये मूलभूत जो फर्क है ये कई बार हम लोगों के समझ में नहीं आता। हम चाहते जगत का उद्धार करेंगे, क्या हम भगवान के अवतार है क्या? भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणा ये साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि मैं अवतार लेता हूं जगत में, फिर हमको क्या करना है जगत के साथ? हमको तो जगत की सेवा करनी है। जो सेवा भाव से कार्य करेगा उसी का अपना उद्धार होगा, और वही भगवद गीता कहती है उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, उद्धार किसी का करना है तो अपना उद्धार करो, पब्लिक की सेवा करो, पब्लिक के उद्धार में मत रहो। तो हिरण्यकश्यप में इस प्रकार से बहुत बढ़िया लेक्चर वगैरह दे दिया। अब ये होने के बाद उसके दिमाग में बात आई, अरे ये जैसी आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, अभी मैंने लेक्चर दिया तो मैं भी अजर अमर देह के साथ क्यों ना बनूं? पहले लेक्चर क्या था, देह नश्वर है आत्मा अमर है। अब इसमें एक उसमें नया वायरस निकाला, नया विकल्प निकाला, ऐसा संभव है क्या कि मैं देह के साथ अमर हो जाऊं? और फिर एक बार ये उसके दिमाग में आ गई बार, फिर उसके पीछे लग गया। राक्षसों में दैत्यों में बुरे लोगों में एकाग्रता की शक्ति होती है, तो वो एकाग्रता में लग करके इस असुर संकल्प को ले लिया और लग गया तपस्या करने के लिए, और इतनी जबरदस्त तपस्या करी कि उसके देह से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होकर के स्वर्ग तक पहुंच गई। तो उस समय सभी देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि देखो ये ऐसी तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप, और वो चाहता है ब्रह्मा बने, इसीलिए अपने आप को बचाओ। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, वो गए हिरण्यकश्यप के पास, जब देखा उसका तपस्या का तेज तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपने कमंडलों का पानी उसको छीटा और वो फिर जागृत हो गया, उसका पूरा देह सुवर्णमय हो गया तपस्या के कारण। और फिर कहा कि देखो तुमने इतनी तपस्या की, इसको इसके द्वारा तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे अमरत्व चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो दूसरा वर मांगो, ये अशक्य अनुष्ठान का वर नहीं दे सकते हम। फिर उसने विचार किया क्या किया जाए क्या किया जाए, फिर उसको लगा हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हर बेवकूफ को ये लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं। तो उसने विचार करके बताया कि ठीक है मुझे दिन को मृत्यु ना आवे रात को मृत्यु ना आवे,
अंदर नहीं आवे, बाहर नहीं आवे, ऊपर नहीं आवे, जमीन पर नहीं आवे, और किसी शस्त्र के द्वारा नहीं, अस्त्र के द्वारा नहीं। और ब्रह्मा जी, आपने जिसको जिसको पैदा किया है, किसी भी प्राणी के द्वारा मुझे मृत्यु ना आवे। जैसे ये नियम बनाते हैं ना अपने इनकम टैक्स वाले, कैसा भी नियम बनाओ, हमारे जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं वहां से कहीं ना कहीं छेद निकाल ही लेते हैं और वहां से पैसे बचाते हैं। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी को ऐसा जब उसने वरदान मांगा तो उसको लगा कि हमने ये बढ़िया बना दिया है इनकम टैक्स का रूल, अब कोई नहीं बच सकता। लेकिन उनको पता नहीं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ही है। और उसको तथास्तु करने के बाद फिर भागवत में हिरण्यकश्यपु के ऐश्वर्य का वर्णन आता है। वो इतना शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली था कि सभी लोगों पर उसका साम्राज्य हो गया। यहां तक लिखा है कि ब्रह्मा जी पूजा लेने के लिए उसके दरबार में स्वयं जाते थे, भाई मेरी पूजा कर लो, माने उसको पूजा करने के लिए कहे जाने की जरूरत नहीं। नारद जी बोलते हैं कि मैं हिरण्यकश्यपु के दरबार में जाकर के अपनी वीणा के साथ उसके स्तुति गान करता था। इतना शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली वह हिरण्यकश्यपु था। हमने आपको बताया है यह हिरण्यकश्यपु जो था भगवान के जो पार्षद है जय और विजय, उन्हीं को शाप के कारण आए थे। तो जो भगवान के पार्षद है जब असुर योनि में भी जाते हैं तो उनका जो शक्ति ऐश्वर्य वीर्य है बना रहता है। तो ऐसा होने के पश्चात यह हिरण्यकश्यपु बहुत ही बलशाली हो गया और अपने आप को सब कुछ समझने लगा। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु के चार बच्चे थे और सबसे छोटा बच्चा था हमारे प्रह्लाद जी महाराज। और जितने भी अच्छे गुण थे वो सभी के सभी प्रह्लाद में थे, और विशेष करके वो भगवान के असीम भक्त थे। और इस हिरण्यकश्यपु ने अपने बच्चे को प्रह्लाद को शिक्षा पढ़ाई देने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य के यहां गुरुकुल में भेजा। ऐसे नहीं कि अब मैं राजा हूं तो मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरु घर में आवे, नहीं, ये नियम की मर्यादा का उल्लंघन है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, देखो हम लोग जो प्रवचन करते हैं और पैसे देकर के कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में यही फर्क है कि बाबा जी लोग खरीदे नहीं जाते, वो पैसे देकर के नहीं बोलते, वो तो परमात्मा के संतोष के लिए बोलते हैं। और जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर लगाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ट्यूटर के साथ खेलते, देखो ये काम करके आना, और यदि नहीं करोगे तो फिर हम बता देंगे कि ये ठीक से पढ़ाते नहीं है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। वो ट्यूटर कहता तुम भाड़ में जाओ, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे क्या लेना देना है। तो उन्होंने अपने बच्चे को वहां गुरुकुल में भेजा, और गुरुकुल में भेजने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है। एक दिन जब वो हिरण्यकश्यपु को मिलने के लिए घर में आए तो उसको बहुत गोद में लिया, बहुत प्यार किया और कहा कि देखो तुम इतने दिन अपने गुरुकुल में गए थे, पढ़ के आए हो, तो मुझे एक अच्छी बात सुनाना। इस एक अच्छी बात से मैं थोड़ा बात बताता हूं, थोड़ा विषय से अलग है लेकिन महत्व की बात है। हमने एक घर में देखा, उनका घर का एक नियम था, सभी लोग चार छह आठ लोग जितने उनके घर में थे शाम का खाना साथ में बैठ करके खाएंगे, उनके घर का नियम। ऐसे नहीं कभी कोई आके खाना खा के चले जाए होटल के जैसे, नहीं, सभी शाम का खाना साथ में खाएं। और जब खाने के लिए बैठते थे तो एक नियम था, फालतू की बातें नहीं करनी टेबल पर। हरेक ने आज दिन में हमने कौन सी अच्छी बात सीखी है और कौन सी अच्छी बात की है वो बताओ, हरेक ने एक एक। अब आठ दस आदमी बैठे हैं, हरेक ने एक एक अच्छी बात जो करी वो बताई, तो उसके द्वारा अपने आप वातावरण बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने मन के द्वारा अच्छी बातों का चिंतन होना है, बुरी जो बातें हैं उसका तिरस्कार कर दें। तो कहा कि आपने जाकर के वहां कौन सी अच्छी बात सीखी है मुझे बताओ। तो प्रह्लाद ने कहा कि पिताजी, ये दुनिया के संसार के जितने भी प्राणी हैं ये सभी के सभी
मैं और मेरा इस चक्कर में पड़ करके दुखी हो रहे हैं। और जब तक के व्यक्ति मैं और मेरा के चक्कर में पड़ के दुखी हो रहे हैं, उनको कभी सुख नहीं मिल सकता। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, वो है भगवान श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। जब ऐसी बात उन्होंने सुनी हिरण्यकश्यपु महाराज ने, तो जोर से हंसने लगे। ऐसे लगता है कि हमारे गुरुकुल में ये देवताओं ने किसी को सीबीआई का एजेंट करके भेजा है, ऐसे लगता है, क्योंकि ये तो हमारे गुरुकुल में पाठ देते ही नहीं। तो उन्होंने वहां के गुरुकुल के लोगों को बुलाया और उनको डांटा कि ये क्या तुम कामों काम की बातें हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाने के लिए थोड़ी भेजा है, उसको तो अर्थ काम भोग इसके बारे में सिखाओ, ये क्या है भगवान भगवान लगा दिया है। उनको फिर गुरुकुल भेजा गया। तो गुरु पुत्रों ने कहा शंड और अमर कने कि देखो, ये तो हमने तुमको कभी बात पढ़ाई नहीं थी, और ये बात तुमने कहां से सीख ली। तो प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान के बारे में विचार किसी के द्वारा पढ़ाने से नहीं आते, वो विचार आते हैं जब भगवान का अनुग्रह होता है, तब भगवान के बारे में विचार हमारे अंतकरण में आते। कोई पढ़ पढ़ करके भगवान का भक्त नहीं बनता। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए अपने भगवान की इच्छा शक्ति के द्वारा ही मेरे हृदय में भगवान के विचार आते हैं। ऐसा करने के बाद ये जो उनके गुरु पुत्र थे जो उनको पढ़ाते थे, राजा के नौकर थे, पराधीन थे, तो फिर उन ले गए और समझाया, डराया, और फिर उनको अर्थ धर्म काम की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद, फिर जब ये वापस आए तो कयाधु प्रहलाद जी की मां थी, उसने अपने पुत्र को खूब नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा चब्बी चब्बी बना करके फिर अपने पति के पास भेज दिया। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने उस बच्चे को गोद में लिया, बड़ा प्यार किया उसके, और उसके बाद पूछा कि देखो बेटा, तुम्हारा भला हो, अब बताओ तुमने क्या क्या सीखा गुरु के यहां जाकर के। हिरण्यकश्यपु के हृदय में प्रहलाद जी के प्रति असीम प्रेम था। जब भी वो अपने पुत्र को गोद में लेते थे तो उनका हृदय प्रेम से, ममता से एकदम द्रवित हो जाता। बड़ा विस्तार से वर्णन आता है कि जब भी वो लेते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते और अपने पुत्र के प्रेम में वो पागल जैसे हो जाते। तो फिर से जब पूछा कि बेटा प्रहलाद, बताओ तुमने क्या सीखा, बताओ, तो उन्होंने कहा कि हमने 9 बातें पढ़ी है। और कौन सी 9 बातें? उनने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, स्मरणम पाद सेवनम, वन अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति हमने पढ़ी है, और ये 9 विधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति को अपने हृदय में ले आओ तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको कष्ट नहीं दे सकती, दुखी नहीं हो सकते। जैसे भगवान के विष्णु के भक्ति के बारे में हिरण्यकश्यपु ने सुना, इनको इतना गुस्सा आया, फिर उन्होंने उनको बुलाया, ब्राह्मणों को, गुरुपुत्रों को, और कहा कि तुमने ऐसी गलत शिक्षा क्यों दी। फिर वो बेचारे घबरा गए। उन्होंने कहा कि देखो, हमने तो इसको ये कुछ बताया नहीं, सिखा नहीं, इसके लगता है अंदर से ही, स्वभाव से ही ये सब बातें आ रही है। तो प्रहलाद से कहा कि ये तुमको तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? तो प्रहलाद जी कहते, ये मुझे क्या सिखाएंगे भगवान के बारे में, संसार के लोग तो पिष्ट पेशन न्याय से स्वयं ही नष्ट हो रहे हैं। पिष्ट पेशन न्याय माने पिसे हुए को फिर पिसना, वही दुनिया की बातें, वही बीवी, वही बच्चे, वही यहाँ के रोग, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये मुझे कहाँ पढ़ाएंगे। ये तो मुझे भगवान ने स्वयं दिया है ज्ञान, और जिसका जिसके अंतकरण में भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है उसको अपने आप ये हो जाता है। किसी के सिखाने से भगवान के प्रति हृदय में भक्ति निर्माण नहीं होती। इसके होने के बाद जब हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार से निडर होकर के प्रहलाद जी ने बताया तो उनको इतना क्रोध आया, उसने अपने बच्चे को ही एकदम जमीन पर जोर से पटक दिया और बताया पहरेदारों को, भाई आओ इसको मार डालो अभी के अभी, मैं इसको देखना नहीं चाहता। तो सभी उनकी जितने नौकर जाकर थे आकर के त्रिशूलों से उनको मारना शुरू कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ हुआ नहीं। फिर हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया,
पहाड़ के चोटी से नीचे गिराया, अंधेरे कोठड़ों में डाल दिया है, विष पिलवाया, खाना पीना बंद कर दिया, आग में जलवाया। आग की कथा एक आती है ऐसी कि जो होलिका का जो क्षण ये आता है त्योहार, होलिका ये हिरण्यकश्यप की ही थी और उसमें ये शक्ति थी अग्नि उसको जलाता नहीं, तो इनको जलाने के लिए प्रहलाद जी को बोले ठीक है मैं उसको गोद में लेके बैठती हूं और चारों तरफ से अग्नि लगा दो और फिर वो जल जाएगा, मुझे तो कुछ होता ही नहीं अग्नि से। और फिर उस प्रहलाद जी को गोद में रखा और अग्नि जला दी, उसके द्वारा प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं होगा लेकिन वो स्वयं जल गई, इसीलिए वो होलिका का सन मनाते हैं। तो अग्नि में जलाया, सब कुछ किया, पानी में डुबाया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इनको मंत्र शक्ति से मारना चाहिए, तो पुरोहितों से बता करके अभिचार करवाया और राक्षसी कृत्या उत्पन्न की। और वो कृत्या जब प्रहलाद जी को उसको निर्माण कर दिया और उन्हीं को मार दिया। ये बात जब प्रहलाद जी ने सुनी कि शुक्राचार्य के अपने गुरु के दो पुत्र शंड और अमर्क ये उसी कृत्या के द्वारा मारे गए, तो उनको बहुत दुख हुआ और वो तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यदि मेरे मन में इनके प्रति रति भर भी द्वेष नहीं होगा तो ये अभी जिंदा हो जाए। देखो समत्व का महात्म्य, ये कथा भगवान के ही बारे में भी आती है, परीक्षित जी के संदर्भ में महाभारत में आती है, अपने भागवत में नहीं आती। जब परीक्षित जी पैदा हो गए थे तो मरे हुए पैदा हुए थे, उस समय पुत्राजी और बाकी सभी लोग कहते हैं कि हे भगवान आप इनको बचाओ नहीं तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। तो भगवान हंसते हंसते कहते हैं कि यदि मेरे मन में इस युद्ध की भूमि पर किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा और उनके समत्व की शक्ति को लेकर के वो जिंदा हो जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इस चीज को छोटा मत समझना। यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होवे तो हम में परमात्मा की संपूर्ण शक्ति का संचार हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधु संतों की जो शब्द है उसमें कीमत क्यों है, जब हमारे अंतकरण में राग द्वेष का अभाव होता है और ऐसे अंतकरण में जो संकल्प उठते हैं उनको सत्य संकल्प कहते हैं, वो कभी झूठे नहीं होते। इसीलिए हमारे प्रहलाद जी के अंतकरण में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं थी। पूरे भगवद गीता का जो प्रसंग है इसी एक चीज को बताने के लिए है। चाहे कर्म का सिद्धांत ले लो, चाहे योग का ले लो, चाहे भक्ति का ले लो, चाहे ज्ञान का ले लो, सभी सिद्धांतों का अल्टीमेट क्या है, समत्व योग उच्यते। कर्म कर लो तो उसमें समत्व की सिद्धि होगी, योग कर लो तो उसमें समत्व की सिद्धि होगी, भक्ति कर लो तो सब में एक ही परमात्मा है तो अपने आप समत्व की सिद्धि होगी, और ज्ञान में तो केवल एक ही तत्व है, इसीलिए विषमता संभव ही नहीं है। तो ऐसी समत्व की सिद्धि प्रहलाद जी के जीवन में थी और इसीलिए वे ब्राह्मण वहां जीवित हो गए। जब वो जीवित हो गए तब हिरण्यकश्यप को लगा कि हाँ ये लड़का कुछ है, साधारण नहीं है, क्योंकि इसने इतने सादा शब्द कह दिया उसके द्वारा ये जीवित हो गए, तो उनके पीछे कोई भगवान की दिव्य शक्ति जरूर होनी चाहिए। और ये ना तो मरता है, ना मरने से डरता है, ना किस कुछ भी करो तो कुछ भी उसको डर नहीं लगता, और फिर भी इसके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। ऐसी जब बात हुई तो जरा चिंतन करने क्या किया जाए। उस समय जो शंड और अमर्क थे जिनको जिंदा किया गया था, उन्होंने कहा कि महाराज हम इसको ले जाते हैं गुरुकुल में, तब तक हमारे शुक्राचार्य जी पिताजी आ जाएंगे और फिर उनके सत्संग में रह करके शायद ही सुधर जाए, माने अभी बिगड़े हुए हैं। हमारे तुकाराम महाराज का एक अभंग है ना, हमें बिगड़न हो तुम्हें बिगड़ाना, तो उनको अभी सुधारना है, अभी वो बिगड़े हुए हैं क्योंकि भगवान के नाम के पीछे लगा हुआ है तो सुधर जाएंगे, इसलिए अच्छी बात है ले जाओ। वो ले गए। उसके बाद उन्होंने फिर प्रहलाद जी को धर्म अर्थ काम की शिक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन कितना भी उनको पढ़ा प्रहलाद जी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं। और विचित्र बात होने लगी,
उसके बाद प्रहलाद जी वहां क्लासेस कंडक्ट करने लग गए और सभी के सभी जितने असुरों के बालक है वो इनके अगल बगल में बैठने लग गए और टीचरों के पास कोई जाता ही नहीं था। और वो कहते थे कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अप्य अध्रुवम अर्थम। कहते हैं कि हे असुर बालकों, इसी उम्र में हम भगवान के प्रति समर्पित होना सीख लें, क्योंकि मनुष्य जन्म का सार्थक इसी में है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे तो बुढ़ापे में जाकर के अपने घुटनों की भक्ति होती है, यहां बड़ा दर्द होता है, बाकी सब ठीक है, पर कभी कभी ये दर्द जो है ना ये यहां आ जाता है। जब यहां आ जाता है ना तो ऐसा दर्द होता है स्वामी जी, और वो इतनी एकाग्रता से अपने दर्दों की दर्द भरी कहानी कर रहा है, वो कहां भगवान की कहानी सुनेगा। इसीलिए अभी बचपन से ही इस भगवान के प्रति भक्ति करना शुरू कर दो, इसी में अपना हित है। इस प्रकार से जब उन्होंने अपने सभी वहां के दैत्य बालकों को ये सिखाया तो सभी बच्चों ने कहा कि प्रहलाद तुम भी हमारे ही जैसे हो, इसी गुरुकुल में रहते हो, तुमको ये सब ज्ञान कहां से मिला, हमको भी आश्चर्य हो रहा। तो प्रहलाद जी ने बताया कि देखो मैं तुमको अपने जन्म की कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि उनको अजर अमर होना था, तो उस समय कोई राजा था नहीं, तो सभी देवताओं ने आकर के दैत्यों पे फिर हमला बोल दिया। और उस समय ये बात हुई कि मेरी माँ कयाधु इसको भी देवता लोग उठा करके ले जा रहे थे, तो उस समय उधर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा देखो ये गर्भवती स्त्री है, इसको ले जाना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, इसीलिए तुम उसको स्पर्श मत करो। और फिर नारद जी मेरी माँ को और मुझे, मैं जिनके गर्भ में था, अपने आश्रम में ले गए और वहां जाकर के उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको इच्छा प्रसूति होगी, जब तुम चाहोगी तभी तुम्हारी प्रसूति होगी, अन्यथा यू कैन होल्ड। और ये उनको आशीर्वाद मिलने के बाद वो रोज भागवत कथा मुझे मेरी माँ को सुनाते थे। और इस प्रकार से अनेक महीनों तक मैंने भागवत कथा का श्रवण किया है, भागवत धर्म का अनुष्ठान किया है अपने माँ के गर्भ में। और जब प्रसूति हो गई, मेरे पिताजी तपस्या करके वापस आ गए, मेरी माँ तो सब भूल गई, लेकिन मैंने गर्भ में जो शिक्षा प्राप्त की वो अभी भी मेरे साथ है और उसी के कारण मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूं। जब ऐसी बात प्रहलाद जी के मुख से सभी असुर बालकों ने सुनी तो उनको लगा कि हाँ ये कोई थ्रिलिंग लाइफ है ना। और उसके बाद वो उनके बहुत ही नजदीक आने लगे और उन्होंने बताया प्रहलाद जी ने कि देखो भक्ति के जैसा सरल मार्ग दुनिया में और कोई नहीं है, ये देखो हम सबके लिए है। हमारे हृदय में आकाश है, तीन प्रकार के आकाश होते हैं, कल परसों हमने आपको बताया भूत आकाश बाहर का, दूसरा है चित्त आकाश हमारे चित्त में रहने वाला। जैसे हमने स्मरण किया मन में कि हम एक हाथी पर बैठ करके दौड़ रहे हैं, तो ये हाथी उस पर हम बैठे दौड़ रहे, ये कहां हो रहा है, ये चित्त में जो आकाश है उसमें हो रहा है। तो एक होता भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, तीसरा होता चिदाकाश। चिदाकाश माने वह शुद्ध चैतन्य परमात्मा अपने हृदय में जो है। तो कहते हैं जैसे अपने हृदय में आकाश है उसी प्रकार से उस आकाश में भगवान स्वयं बैठे हुए है, वही हमारे आत्मा सखा स्वामी बंधु सब कुछ है। तो ऐसे परमात्मा जो हमारे ही हृदय में है उनसे प्रेम करने के लिए कुछ नहीं लगता, किसी भी बाहर के सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको हम पहचाने कि परमात्मा हमारे हृदय में है। देखो भगवान की कृपा किसको किस पर होती है, जब हम भगवान की कृपा को पहचानते हैं उसी को कहते हैं भगवान की कृपा होना। तो ये इस प्रकार से जब प्रहलाद जी ने अपनी नई पाठशाला शुरू कर दी थी उसी पाठशाला में, तो ये जो गुरु ने देखा कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, वो जाकर के
उन्होंने बता दिया हिरण्यकश्यपु को कि ये आपका जो लड़का है तो बहुत ही बिगड़ गया है, बाकी लड़कों को भी बिगाड़ रहा है, अब आपको जो करना है करो। फिर हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया, उसने सोचा अभी किसी से नहीं मरता तो मैं ही उसको मारूंगा। और उसके पश्चात वो बहुत उसको डांटने लगे और कहने लगे कि तू इतना निडर बन गया है, किसके ताकत से तू इतना निडर बन गया है। ये भी भागवत का श्लोक प्रहलाद जी का बड़ा प्रसिद्ध है, कहते हैं न केवलम मे भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। हे राजन, केवल मैं ही किसी शक्ति के द्वारा बलवान नहीं हूं, उसी शक्ति के द्वारा तुम भी बलवान बन गए हो। इस जगत के जितनी भी शक्तियों का मूल आधार है वही एक परमात्मा है और उसी के सामर्थ्य से जो कुछ हो रहा है। इस प्रकार से इस जगत में छोटी से छोटी चीटी ले लो या बड़े से बड़े ब्रह्मा जी ले लो, किसी प्रकार का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कोई भी हो, सबके पीछे वही एक परमात्मा की शक्ति है, वही सबका एक बल है। इस प्रकार से जब उन्होंने अपने पुत्र से सुना भगवान का नाम कीर्तन और गुणगान तो उनको बहुत गुस्सा आया और वही एक खम्भा था लकड़ी का, तो उसने कहा कि क्या इस लकड़ी के खम्भे में तुम्हारे भगवान है, और उसको जोर से ढूसा लगाया तो उसी समय में एकदम वो जो खम्भा भंग हो गया और उसमें से भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए। और जब वो प्रकट हो गए तो इन दोनों का बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ, नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु का। उसके बाद उन्होंने उसको उठाया, अपने गोद में रखा और देहली पर जाकर के उसको अपने नाखूनों से फाड़ा और जितने उसके आंत थे अंदर के इंटेस्टाइन्स अपने गले में लगाया, खून चाटना शुरू कर दिया और भगवान का वो भयानक क्रूर रूप देखो। एक संत से हमने सीखा है, यदि हमारे मन में काम भावना प्रबल हो जाती है तो उस समय भगवान के रुद्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव ने, भगवान रुद्र ने काम को दहन कर दिया था, और यदि हमारे मन में क्रोध निर्माण होता है तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान नृसिंह के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते नृसिंहाय, ओम नमो भगवते नृसिंहाय, क्योंकि उनके क्रोध के उस रूप के सामने अपना क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो ऐसा ये भगवान का दिव्य भव्य भयानक रूप देखा और उसके बाद उसको मारने के पश्चात भगवान स्वयं हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठ लिए, क्योंकि इस पर प्रहलाद को बैठना था तो पहले पवित्र कर दिया। जब ऐसा हो गया कि हिरण्यकश्यप का वध हो गया, सभी देवता लोग आए, भगवान की स्तुति वगैरह करी और उसके पश्चात सभी देवता ने कहा लक्ष्मी जी को, चलो अपने पति को मनाओ, उनको शांत करो, बहुत भयानक लग रहे, हम लोग डर रहे हैं। उस समय लक्ष्मी जी कहती है साक्षात श्री प्रेषिता देवै ही दृष्ट्वा तन महत अद्भुतम अदृष्ट्वा अत अश्रुत पूर्वत्वा साम न उपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी ने जब उनका जो भयानक रूप देखा, बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते, मैं उनके पास नहीं जा सकती, वो भी घबरा गई। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद जी को कि देखो तुम्हारे ही कारण भगवान प्रकट हो गए, तुम चले जाओ। तो भगवान के सामने, नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी गए, भगवान ने उनको उठाया और अपने जिह्वा से उनको चाटा, प्यार किया और उसके बाद वो बड़े शांत हो गए और भगवान ने स्तुति की, भगवान की, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। और ये जो स्तुति है इसमें से एक दो बातें हम लोगों को सीखने जैसी है, वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास यदि धन हो, कुलीनता हो, रूप हो, तपस्या हो, विद्या हो और ओज हो, तेजस हो, प्रभाव हो, बल हो, पौरुष हो, बुद्धि हो, भोग हो, 12 बातें हो और वो ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न हो गया हो, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त नहीं हो तो ये सब व्यर्थ है। देखो कितनी महत्व की बात। और यदि कोई व्यक्ति में ऊपर के कोई भी गुण नहीं हो,
लेकिन यदि वहां भगवान का भक्त है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान आप मुझ पर भी कृपा किए हैं और ऐसी ही कृपा मुझ पर करते रहिए। कहते आपने ही संतुष्ट होकर के गजेंद्र पर भी बड़ी कृपा करी थी। इस प्रकार से जो अनेक स्तुतियां हैं भागवत में, ये प्रहलाद जी की स्तुति भी बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। इस प्रकार से जब यह स्तुति हो गई तो आगे कहते हैं कि जो संत महात्मा है भगवान के सब गुणों को जानते हैं और इसीलिए सभी के सभी संत महात्मा विरमंती शब्दात वो मौन रह करके शांत रह करके इस जगत में जीते हैं, क्योंकि उनको भगवान के इस औदार्य पर, भगवान के अनुग्रह पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। वो हमेशा भगवान के स्मरण चिंतन में मस्त रहते, इसीलिए भगवान के सामने जाकर के कुछ मांगते नहीं। देखो एक बढ़िया बात है, जितना लंबा और जितने लंबे समय तक का नमस्कार होता है उतनी भगवान के सामने लिस्ट लंबी होती है। भगवान एक इसको करना, दो उसको करना, चौथी बात क्या थी, वेट वेट भगवान वेट, और इसको भी कर देना, और पूरी की पूरी लंबी की लंबी लिस्ट भगवान के सामने रखी। अरे भैया उनको सब मालूम है हमारे लिए क्या आवश्यक है, वो देते हैं, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, यदि मांगने की आदत ही है तो दुनिया में किसी के पास मत मांगो, मांगना ही है तो भगवान के पास। तो इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करी और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा कि भैया तुम वर मांग लो, क्योंकि हम प्रसन्न हो गए हैं, वर मांग लो। तो प्रहलाद जी को बड़ा गुस्सा आता, वर कहेगा मांग लो, क्या हमने आपकी स्तुति आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए मांगी है, करी है, और क्या हम आपके नौकर हैं कि आप हमको हमारे काम के बदले में कुछ पैसा दे रहे हो, और क्या आप हमारे स्वामी हो कि हमसे कुछ काम करवा लेते हो, ये तो हमारा रिश्ता है ही नहीं, फिर भी आपने क्यों कहा। अच्छा ठीक है, आपने कहा है तो मांग लेते हैं। हे भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे मन में किसी से कोई भी चीज मांगने की कामना ना हो। देखो ऐसा ही प्रसंग तुकाराम महाराज के जीवन में आता है। उनके जीवन में बताते हैं कि उनको मिलने के लिए भगवान ने रुद्धि सिद्धि भेजी थी कि जाओ उनको जो भी चाहिए दे देना। ये दोनों आ गई माताएं और कहा कि भगवान हमको भगवान ने भेजा है वैकुंठ से, तो आपको जो चाहिए मांग लो, हम रुद्धि सिद्धि है। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। लेकिन बोले हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वैसे जाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, हमने तुमको काम के लिए भेजा था, क्यों दिया नहीं। वे बोले ठीक है रुको थोड़ी देर, और फिर ये अपने कीर्तन में मस्त हो गए। और फिर उन्हें हाँ आप मुझे याद आए, एक चीज मुझे दे देना, क्या जब वापस जाओगी तो फिर वापस मत आना, चली जाओ हमेशा के, इस जगत से कुछ मत मांगो, बिल्कुल नहीं। यदि मांगना ही है तो केवल परमात्मा को, जितनी हमारी परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो जाती है उतनी हमारी साधना अपने आप चलती है। हमारी साधना आगे न बढ़ने का कारण यही है कि भगवान के प्राप्ति की इच्छा ही हमारे मन में इतनी प्रबल नहीं है। भगवान रामकृष्ण जी के जीवन में आता है, उनका शिष्य नरेंद्र, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो माँ आपसे तो बात करती, हमसे क्यों नहीं बात करती। बोले तुम उतने उत्कंठा से नहीं माँ से बात करते हो इसलिए। बोले कितनी उत्कंठा चाहिए, हम भी चाहते हैं वो हमसे बात करें। बोले ठीक बाद में बताएंगे, चलो अब नहा लेते हैं। नहाने के लिए गए तो उन्होंने अपने शिष्य की गर्दन पानी के नीचे ले गए, तो वहां रखा थोड़ी देर के लिए। अब कब तक आदमी पानी नीचे रह सकता है, और ऐसा तड़प रहा था, अब देखा ये मरेगा तो उसको छोड़ दिया। और जब बाहर आया उसके बाद पूछा, जब तुम पानी में थे उस समय हवा के लिए जितने तड़प रहे थे, क्या इतनी तड़प तुम्हारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की है। हमारे भगवान की प्राप्ति कैसी है, हमारे स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि हम बड़े सेठ जी हैं और सेठानी खड़ी हुई है, उसके ऊपर सोना चांदी लटक रहा है, और हमारे गोद में दो बच्चे हैं, एक की उंगली कान में, दूसरे की उंगली नाक में, और उस समय हम 500-500 की नोटें गिन रहे हैं, और सामने भगवान आके खड़े हो गए, वेट फॉर सम टाइम क्योंकि मुझे गिनना है, ऐसे हमको भगवान के दर्शन चाहिए तो कहां मिलेंगे। तो
हे भगवान आपको देना ही है, तो मेरे मन में कभी ये भावना न आए कि मैं किसी से कुछ मांगू, ये मांगने की जो बात है मेरे हृदय से निकाल दीजिए। और जहां तक ये कुछ देना है आपको, तो मेरे जो पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु, उन्होंने आपकी बड़ी निंदा करी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका मंगल हो जाए, उनके अंग प्रत्यंग का मंगल हो जाए, उनके दस इंद्रियों का मंगल हो जाए, उनके अंतकरण का मंगल हो जाए, उनमें रहने वाले पंचभूतों का मंगल हो जाए, इस प्रकार से उस जीवात्मा का भी आप मंगल कर दो। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र जिसको प्राप्त हुआ है उसका मंगल ही होगा, बिना तुम्हारे कहने से भी उसका मंगल होगा। इसीलिए बच्चों की यही अपने माता पिता के प्रति बहुत बड़ी दक्षिणा है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसके द्वारा हमारे माता पिता हम पर नाज कर सके कि ये मेरा बच्चा है, कहने में उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी का राज्य भगवान ने स्थापित कर दिया और भगवान वहां से चले गए। उसके बाद हम लोग सातवें अध्याय में स्कंद में आते हैं, वहां 15 अध्याय है, उसमें 5-5 अध्याय में आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इस प्रकार से जीवन का वर्णन बताया है। अपने स्तुति के बाद भगवान ने व्यक्ति के जीवन में जो भिन्न भिन्न अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं उसको किस प्रकार से निवारण किया जाए, ये बताने के लिए युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया था धर्म के संबंधी। तो धर्म वो है जो हमारे जीवन को धारण करता है, धारणा धर्म, माने हमारा देह का व्यवहार ऐसा हो कि जिसके द्वारा हमारी प्राण ज्योति बनी रहे, हमारे हाथों पैरों का व्यवहार ऐसा हो कि जिसके द्वारा हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, हमारे वाणी में ऐसी शक्ति हो कि हम अनावश्यक न बोले केवल योग्य बात ही बोले, ये सभी की सभी शक्तियां अपने धर्म के द्वारा ही जीवन में आती है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपने जीवन की मर्यादा टूट जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा का अनादर होता है उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे पशुतुल्य हो जाता है, और पशुतुल्य जीवन जिसका हो गया वह मनुष्य होकर भी अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसके बारे में एक बताते हैं, जैसे अपने कपड़े साफ सुथरे हो और साफ सुथरे कपड़ों के प्रति अपने मन में आदर हो तो हम कहीं बैठना हो तो 10 बार सोचेंगे ये कपड़े तो गंदे नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हमको अपने अंतकरण के शुद्धि के प्रति जागृति हो और जैसे कपड़े के साफ सफाई के प्रति हमारे मन में महात्म्य आने के बाद हम कहीं जाकर के नहीं बैठते, उसी प्रकार से यदि अपने अंतकरण के शुद्धि के बारे में हमारे अंतकरण में महात्म्य जागृत हो गया तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि लोगों की बुराई करके हम अंतकरण में गंदगी तो नहीं ला रहे, हम कहीं किसी को गाली गलौज करके अपने अंतकरण को गंदा तो नहीं कर रहे, हम दुनिया का चिंतन करके हम अपने अंतकरण में गंदगी तो इकट्ठा नहीं कर रहे। इस प्रकार से हमारा ध्यान हमेशा अंतकरण के शुद्धि पर रहेगा। हमने आपको पहले दूसरे दिन शायद बताया था, हम में से कितने ऐसे हैं कि जो भगवान के सामने आकर के ये कहते हैं कि भगवान मेरे अंतकरण को इतना शुद्ध पवित्र कर दो कि उसी के माध्यम से आपकी महिमा परिपूर्ण रूप से अभिव्यक्त होवे। कभी नहीं। हमारी प्रार्थना होती है भगवान हमारे हृदय में ये बच्चों का कचरा है उसको निकाल करके पति के कचरे को ले आओ। भगवान को मांगते कहा है? यदि कुछ मांगना ही है तो अपने अंतकरण को शुद्ध बना ले, और शुद्ध अंतकरण को कहते वसुदेव शब्दितम, और इसी वसुदेव के माध्यम से जो पैदा होता है उसको कहते वासुदेव। तो शुद्ध अंतकरण में ही परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जहां अंतकरण अशुद्ध है वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है लेकिन अपूर्ण होती है, और इस अपूर्ण अभिव्यक्ति को ही जीव भाव कहते हैं। इस प्रकार से हमको अपने जीवन को शासन से चलाना है, और स्वयं संचालित शासन को कहते हैं धर्म।
जो डिसिप्लिन हमने अपने ऊपर स्वयं लाद ली है, वो जो बंधन है स्वयं के द्वारा स्वीकृत बंधन, वो कभी भी हमको बंधन का अनुभव नहीं देता। और जो हम पर बाहर से लादा गया बंधन है वो हमको बंधन का अनुभव देता है। उदाहरण के लिए अब आप लोग यहां आ रहे हो, इसमें से जो स्वयं होकर के आए हैं वो आनंद में बैठे हैं, और जिनको किसी को पकड़ के ला गया रस्सी, चल चल नहीं कैसे चलना पड़ेगा, और किसी को पकड़ के ला गया हो तो वो 25 बार घड़ी देखेगा, कितना वजह, स्वामी जी खत्म ही नहीं कर रहे, भगवान इनकी बोलती बंद कर दो, बहुत हो गया, क्योंकि उनको बंधन है। तो जिस बंधन को हम स्वयं स्वीकृत करते हैं उसी बंधन को कहते हैं धर्म। और धर्म के द्वारा क्या होता है, धर्म के द्वारा हम अपने सभी शक्तियों को नियंत्रित रखते हैं। यदि हमारे शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वही शक्ति हमारे नाश का कारण बनती है। जैसे हमारे कार चलाने की शक्ति है और खूब जोर से चला रहे, और यदि उसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो कहीं ठोक देंगे और उसी में मर जाएंगे। यही बात होती है अपने इंद्रियों की शक्ति, बोलने की शक्ति बड़ी अच्छी है, लेकिन जहां अनावश्यक है वहां कुछ बोल दिया तो उसी बोलने के कारण हम अपना सत्यानाश कर देते। इसका उदाहरण आपको दे, एक अपने जीवन के बारे में जो पर्सनल बातें होती है ये अपने सिवा किसी को मालूम नहीं होती, फिर भी हम किसी को कहें देखो मेरे कॉन्फिडेंशियल है पर्सनल, मैंने किसी को नहीं बताई, आप भी किसी को मत बताना, और फिर अपने जीवन की पूरी पोथी पब्लिक को सुना देते। फिर दूसरा कहता है कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमको ही बताता हूं, किसी को नहीं बताना, उसने मुझे अपने बारे में ये बताया, धीरे धीरे पूरे मटन चने में वो बात हो जाती है। और उसके बाद पता नहीं लोगों को मेरे बारे में कैसा पता चला, अरे भैया पहले लीकेज आपसे ही हुआ फिर बाद लोगों को पता चला। इसीलिए अपने वाणी पर लगाम, अपने इंद्रियों पर लगाम लगाने की जो शक्ति है उसी को कहते हैं धर्म। और इस धर्म का वर्णन इस सातवें स्कंद में दो प्रकार से आया है, एक तो कहते हैं वर्णाश्रम रूपी धर्म और दूसरा कहते हैं सनातन धर्म। वर्णाश्रम रूपी जो धर्म है वो सनातन धर्म का ही एक अंग है। सनातन धर्म सार्वभौम धर्म है, सभी के लिए लागू है, उसमें हिंदू मुसलमान भारतीय अभारतीय ये भेद नहीं है, सनातन धर्म सबके लिए है। लेकिन इसी सनातन धर्म में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो उनके लिए है कि जिन्होंने इसको स्वयं होकर के स्वीकार किया है। देखो ध्यान से सुनना, जैसे अपने भारत के कोई लोग, क्योंकि यहां खाने को नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं होती, अज्ञान है, स्कूल कॉलेज नहीं है, दवाई नहीं मिलती, इसीलिए अमेरिका चले जाते हैं, यहां कुछ मिलता ही नहीं। वहां जाने के बाद वो गाड़ी दहने बाजू से चलाएंगे, है भारतीय, पर हम क्या ऐसा कह सकते हैं वहां देखो आई एम इंडियन, मैं तो बाएं तरफ से चलाऊंगा, नहीं, वहां जाने के बाद उनके नियम। अब वो वहां क्यों गए इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, उनको स्वातंत्र है। उसी प्रकार से जो वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वयं स्वीकार करते हैं उनके ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि आपने वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों स्वीकार करी है ये अपना अपना स्वातंत्र है। इसीलिए ये बात जब समझ में नहीं आती तो वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के हम समाज में फूट पाड़ते हैं, और वो गलत बात है। देखो भगवद गीता में आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, मैंने ये चातुर्वर्ण की जो सृष्टि की है वो किसी के लिए कोई अच्छा बुरा बताने के लिए नहीं है। जैसे हमने कहा कि हम अपने आंखों से देखते हैं, मुंह से खाते हैं और नीचे से गंदगी निकालते हैं, तो ये जो वर्णन किया है कि ये वर्णन करने में ऐसी बात है क्या कि हमने हमारे नीचे के अंगों का तिरस्कार किया है और ऊंचे के अंगों की तारीफ करी है, नहीं, ये तो बताया है कि इनके गुण क्या है, इनके कर्म क्या है। उसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो केवल हमारे गुण और कर्म, इनका अनुवाद मात्र है। ये न समझने के कारण हमारे जो राजनीतिक संत महात्मा है वो बिल्कुल अपने समाज में फूट डालते हैं, वो गलत है, इसके लिए नहीं बताया है।
हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्णों का अधिष्ठान होता है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, हम अपने व्यक्तित्व में जो सर है वो ब्राह्मण है, और जो हमारी भुजाएं हैं वह है क्षत्रिय, जो मध्य प्रदेश है वो है वैश्य, सब इकट्ठा करता है, और जो पैर है वो सेवा हो गए शूद्र। तो हमारे ही देह में चारों वर्ण होते हैं, तो ऐसा हम कहेंगे क्या कि हमको जरूरत में काट के फेंक डालो? नहीं। क्या हम ये कहेंगे हम ब्राह्मणों का तिरस्कार कर फेंक डालो? नहीं। इसको चलाने के लिए चारों की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पूर्ण ठीक से चलाने के लिए इन चार वर्णों का और चार आश्रमों का नियम को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं है। तो यह जो चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका जो भाषांतरण होता है जाति जाति का है वैश्य जाति का है, ये गलत भाषांतरण है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। जाए आकार को मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति, तो ये वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा किसी का वर्णन हो सके उसको वर्ण कहते हैं। तो कि जो बुद्धि प्रधान है उनको कहेंगे ब्राह्मण, और उनका कर्म है कि शम दम इतने ऊपर में नियंत्रण रखना, पैसा इकट्ठा नहीं करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे जीवन को लगा देना, ये है ब्राह्मण का वर्णन। उसके बाद वर्णन है जिसमें ऐश्वर्य हो, वीर्य हो, आस्तिक्य हो, युद्ध से भाग के नहीं जाना और सबकी रक्षा करना, ये वैश्य ये क्षत्रिय का वर्णन हो गया। वैश्य का है अपने जीवन में कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, अनेक प्रकार के कमाना, धन दौलत उत्पन्न करना और पैसे का विनियोग करना, ये सभी का सभी वैश्य वर्णन करने के लिए। और शूद्र के धर्म में आता है सबकी सेवा हो, तो ये शक्ति किसी भी समाज को चलाने में आवश्यक है। और यदि हमने समझो उदाहरण के ब्राह्मणों का तिरस्कार करके केवल सोचा नहीं हम शूद्र को ही सब कुछ दे देंगे, वो अपने ही समाज में से बुद्धि का तिरस्कार कर रहे हैं। इसीलिए लिखना है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है ये किसी को अच्छा बुरा परमात्मा की संतान है। यदि हम कहेंगे हम पैर से चले गए गंदगी, इसका अर्थ ये निकलना क्या कि हमने अपने पैर का तिरस्कार किया है? नहीं। इसी प्रकार से यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये इसके लिए। उसके बाद दूसरी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। आश्रम में ब्रह्मचार्य सन्यासी ये चार आश्रम आते हैं। आश्रम का तात्पर्य जैसा होता है ना आमरण उपोषण, आमरण माने मरने तक, तो वो मर्यादा हो गई, एक लिमिट हो गई, मरने तक उपोषण करेंगे, मरने के बाद नहीं करेंगे। उसी प्रकार आश्रम अपने जीवन में जो अनेक प्रकार के श्रम कर्म है उसको मर्यादा लगाने के लिए उसको आश्रम कहते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचारी का जो कार्य क्षेत्र होगा कि उस समय वो अपने गुरु की सेवा करें और जाकर के शास्त्रों का इत्यादि अध्ययन करके अपने को लायक बनाए ताकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उसी प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम है वो गृहस्थी नहीं है, गृहस्थ को अपने घर को आश्रम बनाना है। आश्रम बनाने का तात्पर्य क्या है? गृहस्थ आश्रम में हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करने का शास्त्र का विधान है, और इसीलिए सभी चीजें मिलेगी तो उसके साथ कोई ना कोई कर्तव्य भी लग जाता है। तो गृहस्थों का ये कर्तव्य बनता है कि जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है और सन्यासी है, इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी गृहस्थ की होती है। इस प्रकार से अपने जीवन में मर्यादा से रहना है। फिर आते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इस वानप्रस्थ आश्रम में जीवन अभ्यास होना है। जब गृहस्थी में रहते हैं तो उस समय हर चीज के लिए पति पत्नी को डांटेगा और कहीं पत्नी पति को डांटेगी। इस प्रकार से परस्परम डांटयंता श्रेय परम वापसत, एक दूसरे से डांट डांट करके जीवन को चलाते हैं। एक बार आपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया तो उसके बाद अब किसी को कुछ मांगना नहीं, जीवन को एकदम स्वतंत्र रखना है, किसी से कोई सेवा नहीं लेना। सेवा नहीं लेना ये सीखने के लिए वानप्रस्थ आश्रम होता है। अच्छा, हम एक बार केदारनाथ गए थे और वहां जाने के बाद हमारे साथ कोई चार या छह ऐसे कपल थे
कि जो 60 नॉट आउट थे, तो हमने कहा चलो आप लोगों की फिर से शादी कराए थे, डबल शादी। तो वही शिव जी के मंदिर में हमने उन कपल्स की शादी करा दी। वहां कुछ दो चार मंत्र गए और उन्होंने माला एक्सचेंज करी, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक अम्बाले पूछे, स्वामी जी आपने शादी तो करा दी, लेकिन बताओ तो इसका मतलब क्या है। हमने कहा मतलब ये है, अभी तक यदि पति आपको डांटता होगा आप सुनती होगी, तो आज के बाद आप इनको डांटो ये सुनेंगे। इस प्रकार से ड्यूटी चेंज हो गई। अब किसी से सेवा मत लेना। तो वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य है उसमें तपस्या और त्याग का अभ्यास करना है, और उसके पश्चात संन्यास आश्रम आता है जहां जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में त्याग की पराकाष्ठा और सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन को बनाने के लिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था की है। अब जिसको ये स्वीकार नहीं है मत करो स्वीकार, कोई कंपल्सरी थोड़ी है, लेकिन जो इसमें है उनको बताना कि तुम भी मत करो, ये गलत बात है। इसीलिए जिनको समझो अमेरिका जाकर के वहां रहना है तो उनको स्वतंत्र रहने दो। ये क्यों कहे कि वो लोग क्यों अमेरिका जाते हैं और देने वाले से ड्राइव करते, इंडिया में रहो बाय बाय से ड्राइव, कोई जरूरत नहीं, दैट इज देयर फ्रीडम। इसी प्रकार से हमको ये समझना है कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है एक ऐसे समाज का चित्र है जिसमें सभी समझ करके रहे और एक दूसरे के साथ रह करके अपने समाज की उन्नति करें। और देखो ये अभी भी वैसा ही है, चाहे भी करें इसको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वास्तविकता है। जैसे कोई ये कल्पना करे कि हम इस जगत से ये जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्टेब्रेट्स वर्सेस नॉन वर्टेब्रेट्स, हड्डी वाले बिना हड्डी वाले, और हड्डी वाले जो है फिर उसमें जो है मैमल्स है और फिर एवियंस है फिर एम्फीबियंस है, उनको अलग कर दे, ये तो ऐसा ही है ऐसा ही रहेगा। उसी प्रकार से इस संसार में कोई बुद्धि प्रधान लोक है, कोई कर्म प्रधान है, कोई व्यवसाय प्रधान है और कोई सेवा प्रधान है। तो इस प्रकार से यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये अपने जीवन के परिभाव को प्रदान करने के लिए बनाया गया चित्र है। इसके द्वारा सबका भला होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। ऐसा क्या होगा जो बुद्धि का कार्य है उसको करने के लिए किसी बेवकूफ को रख दो तो वो कार्य होगा नहीं और फिर वो पूरे कार्य का सत्यानाश हो जाएगा। हमको याद है हमको बचपन में एक स्कूल में टीचर पढ़ाती थी अंग्रेजी, और उसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट मिल गया क्योंकि अनेक क्वालिफिकेशन है, स्पेशल कैडर और स्पेशल कैटेगरी और ये चाहे वो लायक हो या नालायक हो उसको टीचर बना दिया। और हम लोगों को बड़ा मजा आता था और अंग्रेजी पढ़ाती थी, अंग्रेजी पढ़ाने में टीचर आर यू एम्प्टी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो टीचर कहेंगे नॉट नाउ नॉट नाउ आई एम नॉट एम्प्टी डोंट यू सी मी बिहाइंड द क्लास। और कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता था, गुस्सा आने के बाद बोथ ऑफ थ्री गेट आउट, जस्ट वेट ए मिनट, इन टू मिनट आई विल कम इन फाइव मिनट्स वेट। तो यदि हम योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति को रखें तो समाज का भला अपना भला होता है। इसके लिए यह समाज में वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई है। उसके पश्चात एक बहुत कही है, ये कहा है यदि किसी भी व्यक्ति में ब्राह्मण के लक्षण हो और यदि वो ब्राह्मण के कुल में पैदा नहीं हुआ हो फिर भी उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखो यदि किसी व्यक्ति में क्षत्रिय के लक्षण हो, भले वो क्षत्रिय के घर में पैदा नहीं हुआ हो फिर भी उसको उसमें स्वीकार करना है, और किसी व्यक्ति में वैश्य के लक्षण हो, भले वो वैश्य कुल में उत्पन्न नहीं हुआ फिर भी उसको वहेंगे। इस प्रकार से गुण और कर्म इसकी प्रधानता से ही अपने जीवन को चलाना है। ये न समझने के कारण हमने सोचा है कि चलो डॉक्टरी करने से बड़ा अच्छा पैसा मिलता है डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पहले देखो तो सही अपनी क्या हैसियत है। यदि खून देखने के बाद चक्कर आ जाती है तो डॉक्टर मत बनो, पेशेंट बनो, डॉक्टर बनने की। इसलिए
यस्य जल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशे। जिसके लक्षण जहां दिखते हैं उसको उसी प्रकार से स्वीकार किया जाए। और फिर संन्यास धर्म का जो वर्णन करते हैं उसमें बताते हैं संन्यास भी चार पांच प्रकार का होता है। एक होता है विविदिशा संन्यास, जिसमें जिज्ञासा जागृत होने के बाद जो संन्यास लिया जाता है उनको विविदिशा संन्यास। ये जो पीले कपड़े वाले ब्रह्मचारी है उनको विविदिशा संन्यासी कहते हैं। उसके बाद विद्वत संन्यास होता है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको विद्वत संन्यास। तीसरा होता है वीर संन्यास, व्यक्ति घर छोड़ करके निकल जाता है कि अब वापस नहीं आएंगे, परमात्मा का दर्शन करके वहीं खत्म हो जाएंगे, उसको कहते हैं वीर संन्यास। और चौथा होता है आतुर संन्यास। आतुर संन्यास जस्ट मरने के पहले 15-20 मिनट लेते हैं, जो संन्यास हमारे डोंगरे महाराज ने लिया था। डोंगरे महाराज गृहस्थ थे और उनका भी जीवन बड़ा दिव्य रहा, जैसे भगवान रामकृष्ण का जीवन रहा। भले वो शादीशुदा थे लेकिन उनके जीवन में वैसा कोई भी प्रसंग नहीं था जो गृहस्थों के जीवन में होते हैं। तो उन्होंने भी मरने के पहले यह जो आतुर संन्यास है वो ले लिया था मरणासन्न अवस्था में। इस प्रकार से नारद जी ने यह जो वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया, उसके पश्चात फिर सनातन के उपदेश में तो वो सभी बातें हैं जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य के जैसा रहे, पशु ना बने, ये बताने के लिए। और उसके पश्चात फिर और अवधूत का एक उपाख्यान आता है जिसको प्रहलाद जी जाकर के प्रश्न पूछेंगे, और वो जो प्रसंग है इस सातवें स्कंद का उसको हम कर लेंगे। अब यही विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।